तीनों जब साथ में मिल जाते हैं तो ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। भारती मौसी भी शॉर्ट टेम्पर्ड है, किसी की भी वाट लगा सकती है। हाय, मैं हूँ परिवा और आज मैं हूँ टेली मसाला के साथ में और आज मैं खोलने वाली हूँ सबकी पोल। सबसे अगर सेट की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा हंगरी कौन होता है? भूखा। ओके, आई थिंक हमारे सेट पे सब बहुत भुक्कड़ हैं। जैसे कि सुमित है, उनको हर थोड़ी देर पे खाने के लिए चाहिए। मैं चिन्मय, हम दोनों आई थिंक कॉन्स्टेंटली खाना, अब तो हमने बाहर से मंगवाना किसी तरह बंद करने की कोशिश की है, अभी भी बंद हुआ नहीं है, बट हम हमेशा एक मील करते हैं, खाते हैं, तो हम, मैं और चिन्मय आई थिंक सबसे बड़े भुक्कड़ हैं। और सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? सुमित। और सबसे ज़्यादा हमेशा जो जिस एनर्जी जिसमें रहती है वो? सुमित। और सबसे ज़्यादा जो सेट पे जो प्रैंक करते हैं वो? हमारे सेट पे तीन लोग हैं जिनको हम थ्री मस्केटियर्स बोलते हैं। एक तो सुमित जो राजेश का रोल कर रहे हैं, एक जो अमित हैं हर्षद का रोल कर रहे हैं, और एक दीपक हैं जो दक्कू भाई का रोल कर रहे हैं। ये तीनों जब साथ में मिल जाते हैं तो ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। सबसे ज़्यादा सेट पे क्राई बेबी कौन है? सबसे ज़्यादा क्राई बेबी जो सबसे सीनियर मेंबर है हमारे शो के, अब मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी। और सबसे ज़्यादा सैविज कौन है? ऑल ऑफ अस एक्चुअली, भारती मौसी। एंड सेल्फी वाली? सेल्फी विल बी चिन्मय, और भक्ति भी, ज्योति का जो रोल करती है। ओके, यानी इसके साथ में सबसे ज्यादा अगर आपकी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा शरारती आप पर्सनली किसको मानती हैं? मैं पर्सनली अगर हमारे शो में देखा जाए तो मैं इन तीनों का ही नाम लूंगी फिर से, जो थ्री मस्केटियर्स हैं, ये तीनों बहुत ज्यादा शरारती हैं, और हमारे डायरेक्टर समीर सर। ओके, अब मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स के नाम बताने वाला हूँ, आपको उनके बारे में बताना है। ओके, उनका नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होता है? उनके बारे में एक अच्छी चीज बतानी है और एक बुरी चीज बतानी है। ओके, बुरी है? हां, उनकी पोल की पोल करनी है आपको। बुरा हमारे सेट पे कोई है ही नहीं यार, सब बहुत अच्छे हैं। उनकी अच्छी चीज़ है कि वो हमेशा बहुत लाइवली रहते हैं और सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो वो जब सेट पे आते हैं तो सबका, एक एक इंसान का, चाहे वो स्पॉट दादा हो, चाहे वो लाइट दादा हो, चाहे वो हमारे डायरेक्टर हो, चाहे हेडड्रेसर्स हो, सबसे मिलते हैं और सबका बहुत ख्याल रखते हैं। जब उनको बहुत भूख लगती है तो उनको गुस्सा बहुत आता है। अंजू कियारा, कियारा के साथ एक्चुअली मुझे काम करने का उतना मौका नहीं मिला, बट कियारा बहुत ही सॉर्टेड है, बहुत सुलझी हुई सी है। और इनकी पोल को? मुझे उतना, मैंने उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया कि उसकी पोल खोल सकूं। ओके, एंड अथर्व का एक अच्छा साइड है कि वो बहुत अफेक्शनेट है, वो सबसे बहुत प्यार से मिलता है और हम सब उसको सेट के बेबी की तरह ट्रीट करते हैं। अथर्व का वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है, बहुत मस्ती चलती रहती है उसके दिमाग में हमेशा। विवान भी बहुत अच्छा है, वो हमारे साथ बहुत अच्छे से मिलता है, घुल मिल गया हमारे साथ, अभी एक फैमिली का हिस्सा बन गया है, और उस वो भी बहुत, मतलब उसकी खुराफात चलती रहती है कॉन्स्टेंटली उस। ज्योति? भक्ति के अच्छा साइड है कि वो बहुत केयरिंग है, वो एक एक इंसान के लिए बहुत केयरिंग है एंड बहुत थॉटफुल है वो सबके लिए। इनफैक्ट अभी दिवाली थी तो हमने एक पूरी यूनिट को ट्रीट दी थी और उस ट्रीट को हैंडल पूरा ज्योति ने, भक्ति ने खुद अकेले किया था। और अगर की कोई पोल खोलनी हो तो क्या खोलनी चाहेंगे आप? भक्ति की पोल कुछ ऐसा, भक्ति में नेगेटिव मैंने अभी तक फ्रैंकली देखा नहीं है। रील्स क्वीन है भक्ति। एंड राधिका जी? भारती मौसी इज अगेन अ लाइव वायर, वो हमेशा, मतलब एट हर एज आई वुड वॉन्ट टू बी लाइक हर, वो जितनी एक्टिव और जितनी लाइवली हैं और जितने शिद्दत से काम करती हैं, मुझे उन, मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ उनसे। भारती मौसी भी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, किसी की भी वाट लगा सकती हैं। अगेन अंजन जी इतने कमाल के एक्टर हैं कि मुझे लगता है एक स्कूल ऑफ एक्टिंग हमारे सामने है और उनको हम बस वॉच करते रहते हैं, क्योंकि उनके छोटे छोटे रिएक्शन से हम बहुत सीख सकते हैं। और अंजन जी आई थिंक इज अगेन अ बेबी ऑफ द सेट, तो ही एक्सपेक्ट्स दैट पैम्परिंग फ्रॉम एवरीबडी। ओके, लास्टली हर्षद। हर्षद जो है, हर्षद और मेरे में कभी बहुत प्यार भी और बहुत छत्तीस का आंकड़ा भी है। मैं उनको जब देखती हूँ मैं बोलती हूँ पिटोगे, क्योंकि वो सबकी लेग पुलिंग करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। उनका और भक्ति का इक्वेशन भी ऐसा है, वो उसको बहुत तंग करते हैं और उनको जब मौका मिलता है वो सबकी लेग पुलिंग करते हैं, लेकिन ही इज एन अगेन अ जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत प्यार से मिलते हैं सबसे और बहुत ध्यान रखते हैं सबका।